जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, कोई एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए है, लोकतंत्र के बचाने के लिए है। दिल्ली अलायंस और कांग्रेस पार्टी इसकी देन किस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर। ये देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए महारानी है। उनको भी मालूम है कि इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करें। कल 10 बजे यहां रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में मंच तैयार है, मैदान तैयार है, नेताओं की फेहरिस्त भी तैयार है, काउंटडाउन स्टार्ट है। दावा यहां तक कि इसी मंच से 400 पार पर आर या पार होगा। इंडी गठबंधन रैली के जरिए तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा बुलंद कर रहा है, तो बीजेपी इसे भ्रष्टाचार छुपाओ रैली बता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन इससे मोदी के खिलाफ माहौल बना पाएगा? क्या रामलीला मैदान की रैली चुनाव का मूड बदल देगी? क्या भ्रष्टाचार के आरोपी केजरीवाल के दाग रैली से धुल जाएंगे? क्या ये मोदी से हारने की हताशा में रैली हो रही है या फिर कुछ और है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रविवार को इस रैली में कौन कौन से बड़े नेता आ सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सपा से अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सीपीआई से डी राजा, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, सीपीआईएम से सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती रामलीला मैदान की रैली में आ सकते हैं। अली बाबा 40 चोर और ये भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन का एक नया स्वरूप है। और कितनी विडंबना की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी जो इन्हीं नेताओं का नाम ले लेकर कहते थे 2011-12 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के स्वरूप में कि इन सभी लोगों को जेल में पहुंचाएंगे, इन सभी लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो प्रदर्शन करते थे। जिन लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो प्रदर्शन करते थे आज जब उनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया है और कोर्ट राहत देने से इनकार करता है तो उनके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं भ्रष्टाचार बचाने के लिए। चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के अंदर अलायंस नहीं हो पा रहा, ज्यादातर राज्यों में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही, ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ साथी जेल जा चुके हैं। शराब घोटाले के आरोप में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यह पहला मौका है जब इंडी गठबंधन का इतना बड़ा मजमा लग रहा है। नारा दिया जा रहा है कि तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। लेकिन अब हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। बात 2011 की है, तब भी यही रामलीला मैदान था, यही लोग थे, लेकिन तब और अब में फर्क इतना है कि तब केजरीवाल अन्ना के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन अब भ्रष्टाचार के आरोप पे ईडी की रिमांड पर है। केजरीवाल जी जो उस समय सोशल एक्टिविस्ट कहलाते थे अपने आप को, उन्होंने कहा और वो अन्ना हजारे जी के साथ बैठे थे वहां पे आंदोलन के दौरान, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम कभी राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति में भी आए, उन्होंने राजनीतिक दल भी बनाया आम आदमी पार्टी, और उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के वजह जो जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे उनसे हाथ नहीं मिलाया, गले मिल गए। 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी रामलीला मैदान में कूद पड़ी है। उम्मीद है थोड़ी ही सही भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की सहानुभूति मिल जाए।
ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर उसे टारगेट करने का आरोप नया है, लेकिन इस बार केजरीवाल अंदर हैं, ईडी रोज सवाल पूछ रही है, कोर्ट राहत देने से मना कर रही है और सामने चुनाव है। सवाल वोटों का है, इसलिए जनता का याद आना भी लाजमी है। पूरे देश से इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। पूरे दिल्ली से अलग अलग हिस्सों से लोग इस रैली में शामिल होने के लिए कल 10 बजे रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। आज कांग्रेस लगभग सियासत के शून्य पर खड़ी है, इसीलिए कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने वाले केजरीवाल के साथ खड़े होने में भी उसे परहेज नहीं है। खैर, कहते हैं ना, राजनीति में सब कुछ जायज है, तभी तो एक दूसरे को टारगेट करने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मोदी विरोधी रेल में सवार हो गई है। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, कोई एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए है, लोकतंत्र के बचाने के लिए है, और सभी पार्टियों का योगदान है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी पार्टी, सब लोग कोशिश कर रहे हैं मोबिलाइजेशन के लिए कल, और हमें पूरा विश्वास है कि रामलीला मैदान सिर्फ रामलीला मैदान में नहीं, पर रामलीला मैदान के आसपास भी लोग हजारों में मौजूद होंगे। आंदोलन को लोकतंत्र का शक्ति पुंज कहते हैं, इसी शक्ति से 140 करोड़ का भारत विश्व मानचित्र पर चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब देश विकास से भ्रष्टाचार की पटरी पर शिफ्ट होता है तो इसका खामियाजा पूरे देश को कई साल तक चुकाना पड़ता है। अतीत में हुए 2G, 3G, कोलगेट जैसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। आज देश विकास वर्सेस भ्रष्टाचार की जंग लड़ रहा है। विपक्ष मोदी सरकार पर उन्हें टारगेट करने का आरोप लगाता है, तो वहीं पीएम मोदी कई मोर्चों से कह चुके हैं कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है वो बचेगा नहीं। जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है, जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं, आप सब देख रहे हैं। कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, इस दाग को धोना आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी साल में आसान नहीं होने वाला है। कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र बताकर काउंटर कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यही वजह है कि रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी अपने बैनर तले ऐसा मेगा इवेंट करना चाहती थी जिसकी गूंज देश के कोने कोने में सुनाई दे, लेकिन कांग्रेस आंदोलन के नाम पर आम आदमी पार्टी को माइलेज देने का बड़ा मौका नहीं देना चाहती, लिहाजा अब ये रैली इंडी महागठबंधन के बैनर तले हो रही है। मोदी विरोध में बना इंडी गठबंधन 28 दलों का है, जिस एनडीए से मुकाबले के लिए ताल ठोक रहे हैं उसके पास 39 दलों का साथ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की थी। अगर एनडीए की बात करें तो जीत का यह आंकड़ा 353 सीटों पर था, जबकि इंडी गठबंधन ने सिर्फ 144 सीटें जीती थी। इसमें भी सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस ने 53 सीटें जीती थी, यानी 2019 में बीजेपी को 37% के साथ एनडीए को 45% जनता ने जीत का आशीर्वाद दिया, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 20% वोट मिल पाए, जबकि यूपीए को 26% मतों से संतोष करना पड़ा। यही वो आंकड़ा है जो लगातार विपक्ष को परेशान कर रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्ष की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मोदी से टकराने के लिए विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नजर नहीं आ रहा। पूरी तरह टाए टाए फिस हो चुका है इंडी गठबंधन का, ये गठबंधन गठबंधन का खेल। ना तो आपस में दिल मिले हैं ना दल मिले हैं, एक दूसरे को मारो काटो की लड़ाई इंडी गठबंधन में चल रही। रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भले ही विरोधियों के सुर एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि विपक्ष के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, केजरीवाल अंदर हैं। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ में हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया जमानत पर हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सीधा मामला तो नहीं,
लेकिन उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी शिक्षा घोटाले में जेल में हैं, वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ की जा रही है। शरद पवार, स्टालिन और फारूक अब्दुल्ला के करीबी भी जेल जा चुके हैं। दूसरी ओर पीएम मोदी की बेदाग छवि और 10 साल की विकास वाली पॉलिटिक्स है, जिसका लोहा दुनिया भी मान रही है। ऐसे में ये शक्ति प्रदर्शन कितना असरदार होगा, इसकी पिक्चर कुछ घंटे बाद और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन 24 के फाइनल से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के वोटर्स पहले ही विपक्ष को हार का स्वाद चखा चुके हैं, जिससे बीजेपी का जोश हाई पर है और टारगेट 400 प्लस का है। दिल्ली से रंजीता झा और पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।